ओके सो बाइसेप्स में फर्स्ट एक्सरसाइज है बारबेल बाइसेप कर्ल्स। ठीक है, बारबेल बाइसेप कर्ल्स में हम वाइड और क्लोज रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज वाइड लेना और फिर कर्ल करना या क्लोज लेना और फिर कर्ल करना, ऐसा कहते हैं कि आपके यहाँ पे एग्जैक्टली एल्बो के लैटरल साइड पे और एल्बो के मिडिल साइड पे आरसीएसआई के चांसेस बढ़ते हैं। तो बारबेल कर्ल्स में हम कितना डिस्टेंस लेंगे, सिर्फ जितना शोल्डर है उतना डिस्टेंस हम ग्रिप डिस्टेंस लेंगे। लेग्स में डिस्टेंस ऐसा कोई रूल नहीं, आप वाइड ले सकते हैं, आप क्लोज ले सकते हैं, नो स्पेसिफिक रूल्स एज सच एज फार एज लेग स्टैंड इज कंसर्न। हैंड का डिस्टेंस कितना रहेगा, जितना शोल्डर है उतना डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बैक विल बी स्ट्रेट, कोर विल बी टाइट। ये स्टार्ट पॉइंट नहीं है, ये स्टार्ट पॉइंट है जहां पे एल्बो थोड़ा सा प्री फ्लेक्स पोजिशन में। प्री फ्लेक्स मतलब ये फ्लेक्स है और ये क्या है, फ्लेक्स के पहले का पोजिशन, मतलब दूसरी भाषा में शाय ऑफ लॉक बोला तो भी शाय ऑफ लॉक नहीं बोल सकते, प्री फ्लेक्स ही सही रहेगा। दिस इज प्री फ्लेक्स एंड दिस इज फ्लेक्स, समझ में आया। नीज कैसे होंगे, सॉफ्ट नीज। अगर आपने सॉफ्ट नहीं रखे, लॉक रखे, तो आपकी बैक इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए नीज हमेशा सॉफ्ट रहेंगे। एल्बोज प्री फ्लेक्स पोजिशन में रहेंगे। शोल्डर कैसे पोजिशन में है, शोल्डर एक्सटेंडेड पोजिशन में है। फोरआर्म कैसे पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है। और ग्रिप मैंने फुल फंक्शनल ग्रिप लिया होगा, यहाँ पे रहेगा ब्रीथ इन और तब तक ऊपर लाना है जब तक आपके फोरआर्म बाइसेप को टच नहीं हो रहे। फोरआर्म बाइसेप यहाँ तक लाने की, कुछ लोग पूरा शोल्डर मूव करते हैं, शोल्डर इस एक्सरसाइज में जरा भी मूव नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एल्बो का एक्सरसाइज है। देखो इधर, यहाँ पे रहेगा ब्रीथ इन और यहाँ पे रहेगा ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। क्लियर, ये हो गया बारबेल। अब मुझे बताओ शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में है, फोरआर्म सुपाइन पोजीशन में है और उसके साथ में एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं, तो प्राइमरी मसल कौन हुआ, बाइसेप्स ब्रैंकल। सेकेंडरी में दो कौन सा मसल हुआ है, ब्रैकियलिस, इसके नीचे वाला ब्रैकियलिस और ये ब्रैकियो रेडियलिस, ये क्या हो गए सेकेंडरी। एंटेगोनिस्ट कौन हुआ, किसका लेंथ ट्राइसेप, बढ़ रहा है, ट्राइसेप ट्राइसेप का लेंथ बढ़ रहा है, ट्राइसेप हो गया एंटेगोनिस्ट। मुझे स्टेबलाइज कौन कर रहा है, कोर डायरेक्टर्स कर रहा है। शोल्डर को कौन हिलने नहीं दे रहा है, रोटेटर कफ और डेल्टॉइड्स। तो शोल्डर स्टेबलाइजर, फोरआर्म्स क्या हुए, फोरआर्म्स भी एल्बो फ्लेक्शन में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो फोरआर्म क्या हुए, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंटेगोनिस्ट, समझ में आया। स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर और ये पूरा ये भी स्टेबलाइजर है, इजी। क्लासिफिकेशन क्या है, बारबेल के साथ कर रहा हूं, सो बायलैटरल मूवमेंट, ओपन चेन ओपन चेन मूवमेंट, मूवमेंट अनसपोर्टेड। हम बारबेल के साथ सपोर्टेड नहीं कर सकते, हमें खड़े ही रहना पड़ता है। बारबेल के साथ सपोर्टेड करोगे तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, विच इज लेस इफेक्टिव। बायलैटरल ओपन चेन सपोर्टेड, सर्कुलर आइसोलेशन, पाथवे पुल मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट, क्योंकि एक ही जॉइंट काम कर रहा है। मिस्टेक्स क्लियर, हाँ शोल्डर मूव करना, इसको कुछ लोग हाइपर फ्लेक्शन बोलते हैं, और बैक हाइपर एक्सटेंड करना, अगर आपने बैक एक्सटेंड की तो इसका मतलब आप एक्सेसरी मूवमेंट कर रहे हो। मैंने बताया था ऐसी कोई भी मूवमेंट जो एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है और आप कर रहे हो, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं एक्सेसरी मूवमेंट। कुछ लोग एल्बो भी फ्लेक्स कर देते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। क्लियर, पॉज करो, एंड मत करो। अब सेम एक्सरसाइज है लेकिन हम डंबल से कर सकते हैं, बारबेल के साथ बायलैटरल डंबल कर्ल्स था, दोनों डंबल के साथ क्या हो जाता है, आइसोलैटरल। ठीक है, अब सेम चीज इसमें हम, ये स्टार्ट पॉइंट नहीं होगा, ये स्टार्ट पॉइंट है जहां पे एल्बो थोड़ा सा अलर्ट है, अलर्ट मतलब प्री फ्लेक्स, यहाँ स्टार्ट और यहाँ पे एंड। कहाँ पे एंड, जहाँ पे एल्बो फोरआर्म्स, एल्बो फोरआर्म्स पे टच कर रहा है। तो डंबल कर्ल्स करने का ये पहला तरीका है, क्या तरीका है, मैंने स्टार्ट पॉइंट पे फोरआर्म्स रखे, सुपाइन रखे हो गए, ये बिल्कुल किसके जैसा हो गया, बारबेल के जैसा हो गया, सिर्फ मैंने बारबेल के जगह पे डंबल लिया हुआ है, मतलब
मतलब ये सेम ही है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जिसमें हम डंबल यहां रख सकते हैं शुरुआत में। अब इसको स्लो मोशन में देखना है आप। अगर हम कर्ल्स को तीन फेजेस में डिवाइड करें, ये है फेज वन, फेज टू और फेज थ्री, तो इसमें देखो क्या हो रहा है। हमने एक हाथ, दोनों हाथ यहां पे रखे हैं। फेज वन में हम इसको हैमर कर्ल करते हैं, फेज टू में हम इसको घुमा देते हैं, और फेज थ्री में हम इसको पूरी तरह से फोरआर्म बाइसेप को टच कर रहे हैं। सो ये टेक्निकली 30% एक्सरसाइज हैमर कर्ल्स है, और बाकी 60% 90% ये क्या होता है, 30% ऐसा है और 70% ये नॉर्मल गर्ल्स है। मतलब मैं इसमें बोल सकता हूँ प्राइमरी में देखो कौन है। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा हैमर किया तो ब्रैकियोरिडलिस प्राइमरी हो गया, और मैं जैसे ही फोरआर्म सुपाइन करता हूं तो कौन प्राइमरी हो जाता है, बाइसेप्स, क्योंकि ये एक्सटेंशन में है। सो ब्रैकियोरिडलिस बाइसेप ब्रैकाय, बाइसेप ब्रैकाय, ठीक है, ब्रैकियोरिडलिस बाइसेप ब्रैकाय, बाइसेप ब्रैकाय, समझ में आया। सो अगर आपने कर्ल्स के साथ मतलब फोरआर्म सुपाइनेशन के साथ अगर बाइसेप कर्ल्स किए तो प्राइमरी दो मसल्स हो गए, बाइसेप ब्रैकाय और ब्रैकियो रेडियलिस। फिर सेकेंडरी कौन हो जाएगा, ब्रैकियलिस, जो तीसरा बचता है। बाकी सब सेम, एंटेगोनिस्ट ट्राइसेप्स, स्टेबलाइजर शोल्डर, स्टेबलाइजर फोरआर्म, स्टेबलाइजर इरेक्टर स्पाइनी, स्टेबलाइजर कोर। नीज सॉफ्ट रखने हैं, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है, सेम मिस्टेक्स। सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ ये करने के बजाय मैंने शुरुआत में ये किया तो थोड़ा सा एक मसल का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया ब्रैकियोरिडलिस का, समझ में आया। स्टॉप।